करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में मैंने लास्ट लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, कैसे अपन एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको समझा दिया था, दो एग्जांपल दिए थे मैंने फोर्स और एनर्जी के, आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन इसका, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आप देखेंगे यहां पर कैसे बनाना है इसको, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। याद है, ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप लोग से आप लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा, दैट इज हाफ ऑफ दिस। दो मिनट के लिए स्टूडेंट्स उसको भूल जाओ कि आपको नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज हो कि वो हाफ एम वी स्क्वायर है कि हाफ एम अपॉन बी स्क्वायर है कि हाफ एम ई स्क्वायर बी है, कंफ्यूज हो गए। बस आपको एक चीज दिया है जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि वो क्वांटिटी किस में डिपेंड करती है, और वो क्वांटिटी डिपेंड किस में करती है, वो आपको दे दिया है दैट द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, ये आपको दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर एम अपॉन वी स्क्वायर, वो कंफ्यूज हो गए, आपको फॉर्मूला नहीं पता, आप रिलेट नहीं कर पा रहे फिजिकल क्वांटिटी को, बस आपको ये पता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है कि हाँ ये एनर्जी इस पर डिपेंड करती है, बस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एम वी स्क्वायर वी हो गया स्टूडेंट्स, इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट का नाम है के। ठीक, और ये हो गया एम वी। इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं ए और यहां लिख देता हूं बी, ये दो कांस्टेंट बना दिया है। ठीक है, कांस्टेंट को लगा के ए और बी लिख दिया क्वेश्चन नंबर। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो काइनेटिक का तुरंत डायमेंशन आपको याद आ गया होगा ml स्क्वायर t माइनस 1। ठीक, कांस्टेंट k को वैसे ही रहने दो, m मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है, मास ही होता है क्योंकि m का फंडामेंटल है, और यहां क्या बचा बच्चों a, वेलोसिटी v, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है lt माइनस 1, lt माइनस 1। ठीक है, ये होगा b। ठीक है, साथ में आप चाहो तो m0 लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। चलो अब रिलेट करते हैं इसको, एके m की पावर में a, और कोई है क्या m यहां पर, और कोई नहीं, सिर्फ m एक ही है, l कौन सा है, l भी a के लिए b, और t के ऊपर में पावर क्या आ गया माइनस b, और यहां पर क्या है बच्चों आपका m l स्क्वायर t माइनस b, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। अब चलो इसको अपन रिलेट करते दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, आप यहां देखेंगे, ठीक है, m को m के साथ, जब मैं m को m के साथ किया तो a इक्वल टू क्या आ गया 1, m को m के साथ किया, यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 ही रहता है ना, तो a स्क्वायर भी क्या हो गया 1। ठीक, फिर इसको m को m के साथ, जब m को m के साथ किया गया तो क्या आया बच्चों, देखो b इक्वल टू कितना आ गया 2, b इक्वल टू कितना आ गया 2 l को l के साथ करने पर। नेक्स्ट, जब t को t के साथ किया गया तो भी आंसर वही आया फ्रेंड्स, क्या आया माइनस b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस 2, माइनस बी स्क्वायर भी क्या हो गया माइनस 2, और ये माइनस माइनस कट गया बच्चों तो बी स्क्वायर भी क्या हो गया 2। तो आपको इस इक्वेशन ये और ये दोनों सेम लग रही है। ठीक है, तो मेन चीज ये है, यहाँ तो वैसे नहीं आ रहेगा बच्चों बी स्क्वायर टू, क्योंकि बी स्क्वायर ऑलरेडी 2 यहाँ आ चुका है, यहाँ भी आया, अलग अलग नहीं आ सकता। तो अब पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम कि पावर में क्या a है, और a कितना है आपका 1, और b, b के पावर में कितना है b, और b कितना है आपका 2। तो देखो बच्चों ये आपका फॉर्मूला आ गया, अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है, कांस्टेंट की वैल्यू पता है, जो काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में k की वैल्यू क्या होती है हाफ, क्योंकि आपको पता है इसलिए आप पुटअप कर रहे हो, बट कुछ क्वेश्चन में अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है तो आपको k लिख के छोड़ देना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होगी, तो आपको के लिख के छोड़ देना है, इसमें आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हाफ होती है, इसमें मैं कट कर दे रहा हूं, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इन केस नहीं दिया तो आप उसको छोड़ देंगे वैसे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, हाफ
और ये आ गया mv स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि अपन को क्या करना था इस एप्लीकेशन में, एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव करना। आपको फॉर्मूला किस पे किस 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 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो दे दिया था और उसको आपको एक फॉर्मूला फ्रेम करना था। तो आपने फ्रेम कर लिया कि कैरेक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आते हैं यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है, वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है कि वेवलेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा इज करता हूं वो डिपेंड करता है एच प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है यहां पर? प्लैंक कांस्टेंट, एम मास एंड वी, ये होता है। ठीक है, लैम्डा इज करता हूं एच एंड वी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थ्योरी है बच्चों, क्लास 12 में पढ़ोगे आप लोग प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। ठीक है, उसके अंदर वेवलेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, एच अपॉन एम वी, ये फार्मूला प्रूफ करना है। ये फार्मूला प्रूफ करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको दो मिनट में पता नहीं है, इसको भूल जाओ। मैं तो आपको लेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको आंसर निकाल के दे दिया, बट आपको पता नहीं है। आपको बस ये पता है कि हाँ वेवलेंथ ये क्वांटिटी में डिपेंड करती है, आपको फॉर्मूला फिल करना है, इस एप्लीकेशन में यही काम करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है बच्चों, इसको हटाओ यहाँ से और क्या पुटअप करते हैं यहाँ पर, किस पे डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपका वेवलेंथ इस क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, इट्स अ के प्रोपोर्शनल को हटाया, कॉन्स्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनल को हटाया, कॉन्स्टेंट लगा दिया, लाके एच एम वी, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी। ठीक है, अब इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सबका डायमेंशन लिखते हैं। लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t0, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, वेव लैम्डा या वेवलेंथ है जिस पर सिर्फ लेंथ होता है, तो m0 l1 t0। k कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट से आपको थोड़ा सा, ठीक है, कांस्टेंट थ्योरी में जाना पड़ेगा। e इक्वल टू क्या होता है बच्चों, hf। ठीक है, e इक्वल टू hf, ये इक्वेशन होती है, तो h इक्वल टू क्या होगा, e by f। तो इससे मुझे h का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा, तो e इक्वल टू क्या हो गया, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये हो गया e का। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम इनवर्स, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम इनवर्स। तो आपका h का डायमेंशन मिल गया बच्चों, m l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस 1, क्या हो गया, माइनस 1। या इसको उठा के मैं आपको कट कर देता हूं, m l स्क्वायर t माइनस 1। ये चैप्टर, ये टॉपिक स्टूडेंट्स, जो कि अपना एप्लीकेशन है, अगर आपको डायमेंशंस नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए पहले आपको डायमेंशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, या तो कुछ इक्वेशन याद होना चाहिए तभी आप बना पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे आप। ठीक है, ये हो गया h का, h के ऊपर पावर क्या है, e। अब m, m तो फंडामेंटल है, उसका क्या होता है, m कैपिटल है, ये हो गया b। ठीक है, और v, v वेलोसिटी है, इसका क्या होगा, l2 minus 1, ये हो गया c। ये तीनों चीज का लिख दिया। अब मैं थोड़ा अलग अलग करना चाहता हूं बच्चों, ये हो गया m0 m0 l1 t0 इक्वल टू k। ठीक, मास कहां कहां है, इसमें और इसमें है, तो लिख देते हैं m कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, a है, और इसके ऊपर पावर कितना है, d है, a प्लस d आ गया। कैसे आ गया, छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है आपने कि जब प्रोडक्ट होते हैं तो पावर प्लस होता है, प्रोडक्ट में पावर प्लस होता है और डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो अभी तो अपना प्रोडक्ट है तो पावर देखो प्लस हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया m का। अब l का देखते हैं, l का कहां का है, l यहां है और यहां है, इसके ऊपर कितना है, 2a, इसके ऊपर कितना है, 2a है, आप देख सकते हैं l 2a है, और इसके ऊपर कितना है, सिर्फ c है, आप c हो गया, ये हो गया स्टूडेंट प्लस c। फिर से एक बार l इसका भी क्या हो गया, 2a, 2a प्लस इसके ऊपर पावर कितना है, c प्लस c। नेक्स्ट टाइम, अब टाइम कहां पर है, टाइम यहां और यहां है, तो कितना है यहां पर, माइनस c, और यहां कितना है, माइनस c, ये हो गया पूरा पूरा सेट। अब मैं देखिए इक्वेट करूंगा m को m के साथ, जैसे मैंने m को m के साथ किया, ठीक है, m को m के साथ किया, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, चलो यहां देखिए m को m के साथ किया, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू होगा माइनस b। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, a इक्वल माइनस b,
और यहां से हमने ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पाए, आगे बढ़ते हैं ठीक है। एल को एल के साथ किया तो एल को एल के साथ किया क्या हुआ 2a + c = 1, इससे भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला, अपन फिर थर्ड में चलते हैं ठीक है। थर्ड नंबर t को t के साथ, तो t को t के साथ किया तो पावर को देख लेते हैं माइनस a माइनस c इक्वल टू क्या हो गया कुछ नहीं है 0 है, तो देखो यहां से क्या होगा माइनस a इक्वल टू c, c को उधर देगा प्लस हो गया तो a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू क्या होगा c हो गया, मतलब c की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस a। इसको यहां पर टच कर दो, इसको यहां पर टच कर दो, देखो यहां पर तो 2a प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस a माइनस a इक्वल टू 1, यहां पर टच कर दिया आपका c की वैल्यू माइनस a माइनस a, तो 2a प्लस माइनस माइनस a इक्वल टू 1, तो 2a माइनस a इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर सर a a इक्वल टू 1, चलो पहला आंसर आ गया a इक्वल टू 1 आंसर आ गया आपका, और a इक्वल टू 1 आंसर आ गया, जब c का भी आंसर आ गया कितना a का वैल्यू 1 है तो c का आंसर कितना आ गया माइनस 1, ये भी आंसर आ गया, a का आंसर जैसे आया इसको यहां पर टक कर दिया तो इसका भी आंसर। नेक्स्ट यहां पर a का आंसर है ये देखिए तो b का a कितना है 1 है तो b इक्वल टू क्या होगा माइनस b, तो b इक्वल टू क्या होगा माइनस 1, आपका तीनों का आंसर आ चुका है बच्चों, a का भी आंसर आ गया b का भी आंसर आ चुका है और c का भी आंसर आ चुका है ठीक है। b का आंसर कैसा आया a की वैल्यू को टक कर दिया a की वैल्यू 1 है इक्वल टू माइनस b, आप माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और इसके बाद माइनस आ जाएगा, और ये तो माइनस के यहां पर आंसर कर सकते हो स्टूडेंट्स ठीक है। आगे बढ़ते देखो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बस लास्ट बचा है, लास्ट क्या लास्ट है पुट पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सब कर देते हैं, इक्वेशन 1 क्या है लैम्डा इज इक्वल टू ये इक्वेशन 1 कि x की पावर में a, a कितना है 1 ठीक है, m की पावर b, b कितना है माइनस 1 और v की पावर में c ठीक है, v की पावर में c, c कितना है ये भी माइनस 1, ये हो गया बच्चों ठीक है। देखो मैंने a b c की वैल्यू पुट अप कर दी और जैसे मैंने a b c की वैल्यू पुट अप किया इसका जो k h अपॉन m b ये आंसर आ गया बच्चों आपका, क्योंकि ये माइनस 1 माइनस 1 नीचे चले जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 नीचे चले जाएगा और ये आपका आंसर सेम हो गया बच्चों ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू k h / m b, अगर k की वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पुट अप कर दो और नहीं दिया अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पुट अप कर दो उसको कहां क्वेश्चन से और नहीं तो छोड़ दो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू k h / m b, वैसे यहां पर k की वैल्यू यहां पर 1 होती है तो आप फाइनल आंसर भी लिख सकते थे, यहां पर फाइनल आंसर भी लिख सकते थे लैम्डा इज इक्वल टू h / m b, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये आपका आंसर आएगा ठीक है। ये कंप्लीट होता है सेकंड एप्लीकेशन, नेक्स्ट सेक्शन में अपन लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों ठीक है। थैंक यू।